छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को नियंत्रित करने में असमर्थ है। अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है, छत्तीसगढ़ अपराध का केंद्र बन गया है। जब हम सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, ये कौन सी हत्या है, टारगेट किलिंग या कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार को आज जवाब देना चाहिए। उनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं। क्या ये सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता की रक्षा कर पाएगी? इस सरकार से मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में पूरी कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई है? छत्तीसगढ़ इस सरकार के नियंत्रण में नहीं है। शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस सरकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं संभल रहा है। अपराध चरम पर है, अपराधियों का हौसला चरम पर है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। जब हमारी सरकार में घटना होती थी तो भारतीय जनता पार्टी टारगेट किलिंग का आरोप लगाते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हत्या हुई है, ये कौन सा किलिंग है, टारगेट किलिंग है या कौन सा किलिंग है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। आज उनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, क्या छत्तीसगढ़ की आम जनता को क्या सुरक्षित कर पाएगी सरकार से? मेरा क्वेश्चन मार्क है इस सरकार से। इसलिए पूरी कानून व्यवस्था और छत्तीसगढ़ में चरमरा चुकी है, इस सरकार के नियंत्रण में नहीं है छत्तीसगढ़।